बरसेल में तहसील सहित अन्य विभागों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर पत्रकारों और प्रबुद्धजनों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे सुभाष पिमोली ने कहा कि गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की उपेक्षा का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। समय रहते आंदोलनकारियों की सूत्र नहीं ली गई तो उग्र आंदोलन होने से नहीं रोका जा सकता। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष मोहन किरी ने कहा कि पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ रहा है, यह अत्यंत चिंतनीय है, जो बताता है कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे, पिछले 10 नवंबर को हमने यहाँ पे एक दिन का सांगठनिक धरना जो है प्रेस क्लब गैरसैंण ने दिया था, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार जो है बहरी गूंगी बनी हुई है। दोबारा जो है कलमकारों को, पत्रकारों को, मीडिया को जो है अपनी कलम को छोड़ करके जो है आज धरने पर बैठना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि जो है यहाँ के जो है जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, वो उन्होंने जो है संज्ञान लेना चाहिए, एक हफ्ता होने वाला है और जो है कोई संज्ञान नहीं ले जा रही थी। कड़ाई की ठंड में हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रेस क्लब के लोग, बहुत दुख की बात है। और हम चाहते हैं कि प्रेस क्लब पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन जो है प्रेस क्लब गैरसैंण के साथ है, अपनी राजधानी के साथ है। एक मुद्दा है और जनभावनाओं के मुद्दे को देखते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित की, लेकिन हैरानी वाली बात है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस आंदोलन को, चूंकि यहाँ पे अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इस आंदोलन को जहाँ जनप्रतिनिधियों ने छेड़ना था, आज प्रेस इस आंदोलन को किए बैठी है। ये बड़े दुख का विषय भी है, क्योंकि जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने इसे बनाया और एक SDM अगर यहाँ पे नहीं है, एक SDM की तैनाती के लिए अगर प्रेस को मैदान में उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।